हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोग के लिए सुबह का एक बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम कहते हैं सिमई उपमा। देखिए हमारे उपमा बहुत ही खिली खिली है और ये उपमा को हम बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पैन हमारा गर्म हो चुका है, एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं और एक कप सिमाई को डाल के हम कलर चेंज होने तक इसको हम भूनेंगे लो मीडियम में। देखिए हमारे सिमाई का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो अभी आधा गिलास जितना पानी डाल देते हैं। इसको हम बहुत ही ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। आधा गिलास पानी अच्छी तरह सूख चुका है, तो देखिए 50% हमारे सिमाई पक चुका है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए गैस में फिर से पैन को चढ़ा लिए हैं, पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं, आधा चम्मच सरसों, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब हम कुछ कड़ी पत्ता को भी डाल देते हैं। तो अभी हम कुछ वेजिटेबल डालते हैं, आधा कटोरी टमाटर को डाल देंगे, आधा कटोरी प्याज, कुछ कटा हुआ शिमला मिर्चा और गाजर को भी, और थोड़ा सा बीन्स को भी लिए हैं, सभी को हम डाल देते हैं। तीन हरी मिर्च को इस तरह लंबे में काट के डाल देते हैं और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और सभी वेजिटेबल्स को हम 5 मिनट भून लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को जो वेजिटेबल्स पसंद है वही डाल सकते हो। तो इस तरह हम सब्जी को भून लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं ज़्यादा तीखा नहीं कर रही दोस्तों, क्योंकि मैं ये बच्चे के लिए बना रही हूँ। आप लोग को ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप लोग उसी तरह मिर्चा पाउडर दे सकते हैं। तभी हम जो सिमाई को उबाल कर रखे थे उसको डाल देते हैं और सब्जी के साथ हम 2-3 मिनट अच्छी तरह भून लेते हैं। तो 2-3 मिनट हम सिमई को अच्छी तरह भून लिए हैं। अभी ऊपर से डाल देते हैं काटा हुआ हरा धनिया पत्ता। तो देखिए दोस्तों हमारा खिला खिला सिमई उपमा रेडी हो चुका है। आप गरम गरम इस तरह सब करिए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों गर्मा गर्म हमारा नमकीन सिमाई या सिमाई उपमा रेडी हो चुका है। आप लोग क्या कहते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह आप टिफिन में, बच्चों को टिफिन में बनाकर स्कूल भेज सकते हैं। इस नाश्ता को खाने के बाद बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इस तरह न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।